आज की एक्सरसाइज डॉम से रिलेटेड होने वाली है। आप लोगों को एक एक्सरसाइज मैं दूंगा जिसमें आप लोगों को डॉम के मेथड्स जो मैंने बताए थे वो इस्तेमाल करने हैं और उसके बाद आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जितने भी लोग इसको सॉल्व करेंगे सब लोगों को शॉर्ट आउट मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख देना। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर सबसे पहला काम पता है क्या करूंगा, वीडियो 70 बनाऊंगा। और वीडियो 70 बनाने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड करके इसको खोल दूंगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को इस एक्सरसाइज में। तो index.html लिख कर मैं यहाँ पर जल्दी से ये मैंने क्या कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड वाला जो कोड है यहाँ क्यों डाल दिया मैंने, क्या हो रहा है मुझे। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा। इस बार आपने करना क्या है कि आपको दिए हुए हैं 5 boxes, गिवन 5 boxes, ठीक है, असाइन अ रैंडम कलर एंड अ रैंडम बैकग्राउंड टू ईच बॉक्स यूजिंग डॉम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आई होप समझ गए आप लोग करना क्या है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस है। मान लो आपके पास एक div डॉट कंटेनर है, इसके बाद div डॉट बॉक्स है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मैं कर दूंगा लेटस से कितने बॉक्सेस हैं, 5 boxes हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। इन 5 boxes में आप लोगों ने करना क्या है कि डॉम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रैंडम कलर असाइन करना है। कैसे लाओगे रैंडम कलर भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अब सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ थोड़ा मैं आसान काम करवा देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को हाइट 45 पिक्सल, विड्थ 45 पिक्सल और उसी के साथ साथ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक यहां पर मैं लगाकर दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिया और यहां पर अगर आप लोगों ने ये सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने ये कोड एक्सेस नहीं किया वो भी कर लेना, कोड मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर जल्दी से इसको प्रीव्यू करके दिखाऊंगा। तो ये बॉक्सेस हैं यहाँ पर और देखो करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा यहाँ पर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर इन सब के अंदर यहाँ पर क्या करो, बॉक्स लिख दो, ठीक है, बॉक्स लिख दो यहाँ पर। तो भाई देखो ये सब तो किया जा सकता है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग भी लगा लो, हाँ ठीक है, लो मार्जिन पैडिंग भी लगा लो। अरे गैप लगाऊंगा ना जब फ्लेक्स बॉक्स है, तो मार्जिन पैडिंग क्यों यूज़ करूँगा मैं, गैप प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मैंने। और हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे जो है कंटेनर पर लगानी पड़ेंगी, तो ये जो है कंटेनर पर लगानी पड़ेंगी और ये तो बॉक्स है। और अब जो गैप वगैरह है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये सब आपको आता था, ठीक है। और ये सब मैंने यहाँ पर कर दिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स मुझे इसको भी करना चाहिए यार, तो मैंने जो ये करा है मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स जो है यही कॉपी करके यहाँ पे भी डाल दूंगा यार, ताकि मैं बॉक्स को भी एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूँ। तो मतलब जो बन जाए आप कर सकते हो, ठीक है, सब आपको आता है। आप लोगों ने बस रैंडम कलर और रैंडम बैकग्राउंड असाइन करके मुझे दिखाना है। आई होप एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।